ठीक है। अब देखते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का डाटा। कस्टमर के पास जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन अवेलेबल है उनसे पूछो, सर आपके पास कितने टन की मशीन अवेलेबल है ऑलरेडी। और कस्टमर आपसे कहेगा, सर मेरे पास 30 टन की, 50 टन की और 80 टन की मशीन अवेलेबल है, और फॉर एग्जांपल 100 टन की मशीन भी अवेलेबल है। तो इसके हिसाब से मैक्सिमम 100 टन की मशीन पर मैं चला सकता हूँ, ठीक है। उसके हिसाब से आपको नंबर ऑफ कैविटीज बताएगा वो, और सभी चीजें बताएगा, राइट। तो यहाँ पर जब आपको पता चलता है कि इतने नंबर ऑफ कैविटीज के हिसाब से, या फिर आप बोल सकते हो कि 100 टन की मशीन है, तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्टेड एरिया, जो कंपोनेंट का जो प्रोजेक्टेड एरिया होता है ना, उसके हिसाब से आप इसका टनेज कैलकुलेशन निकालोगे कि टनेज कैलकुलेशन 100 से कम होना चाहिए। 100 से अगर कम होगा तो 100 पे चल सकता है। अगर 100 से कम नहीं होगा या फिर टनेज वैल्यू अगर ज्यादा आता है तो फिर वो 100 टन की मशीन पर नहीं चल सकता, राइट। ठीक है, तो जो भी टनेज मशीन आएगा, जो भी टनेज कैलकुलेशन आएगा ना, तो फॉर एग्जांपल कस्टमर के पास 50 टन की मशीन का डाटा अवेलेबल है, तो उनसे पूछो कि सर आप एक काम करो, थोड़ा सा कुछ डाटा हमको सेंड कर दो। वैसे तो 50 टन की मशीन या फिर कोई सी टन की मशीन का डाटा आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मशीन टू मशीन कुछ कुछ डाटा वेरी करता है ना, दैट्स व्हाई। फॉर एग्जांपल अगर मैं शॉर्ट वॉल्यूम की बात करूं, तो शॉर्ट वॉल्यूम फॉर एग्जांपल की अगर 30 टन की मशीन की बात करूं, तो किसी का 80 ग्राम भी होता है, किसी का 100 ग्राम भी होता है, किसी का 110 ग्राम भी होता है, राइट। तो कुछ जो पैरामीटर्स हैं, कुछ वैल्यू है, वो चेंज हो जाती है ना। तो इस कारण से वी शुड हैव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर हैंड अबाउट द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, ओके। और जैसे कि प्लेटन शट हाइट है, ठीक है, प्लेटन साइज है फॉर द शट हाइट, ठीक है, मतलब प्लेटन मतलब, चलो इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में भी समझे कि नहीं समझे तो मैं भी बताने वाला हूं, डोंट वरी, ओके। हॉट रनर यस और नो, हॉट रनर का यूज करना है कि नहीं करना है, यस और नो कस्टमर से पूछ लो। रिक्वायर्ड प्रोडक्शन रेट फॉर द कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है सेवंथ पॉइंट, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन रेट फॉर द कंपोनेंट। कंपोनेंट के लिए प्रोडक्शन रेट कितना है, मतलब उस डाई में से कितने शॉट आपको निकालना है। फॉर एग्जाम्पल दो कंपोनेंट है, दो केविटी का हमारे पास मोल्ड बनना है, राइट, ठीक है। अगर दो कंपोनेंट का वाइड, अगर हम मैं उससे अगर 1000 शॉट निकालता हूं, तो मेरे पास कितने कंपोनेंट आएंगे, 2000। मुझे अगर 10,000 शॉट निकालना है, तो मेरे पास कितने कंपोनेंट आएंगे, 20,000, राइट। आया समझ में, आया कि नहीं। तो जितने मुझे शॉट निकालने हैं, जितने मैं शॉट बढ़ाता जाऊंगा, उसके हिसाब से यहां पर मेरे को डाई का मटेरियल भी लेना पड़ेगा, जो हमारा कोर और केविटी का जो मटेरियल रहेगा वो भी हमको उस हिसाब से ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहां पर कोर और केविटी में जो मटेरियल होगा ना, वो हमारा हार्ड मटेरियल होगा, राइट। तो यहां पर जो जितना हार्ड मटेरियल बढ़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एमएस की वैल्यू बता दूं, एमएस मटेरियल है, उसके अगेंस्ट फिर P20 मटेरियल है, C45 मटेरियल है, राइट, C45 पहले आएगा, P20 बाद में आएगा, ओके। उसके बाद H13 मटेरियल है और H11 मटेरियल है, ठीक है, ओके, समझ में आया इतना। एमएस मटेरियल सस्ता है, C45 उससे महंगा है, P20 उससे भी महंगा है, H11 उससे भी महंगा है, क्यों, क्योंकि इसके हार्डनेस के हिसाब से मटेरियल मिलता है भाई। हार्डनेस अगर किसी मटेरियल की ज्यादा होगी, तो उसके ऊपर अगर कोई कटर चलाओगे आप, तो उसकी फीड आपको कम देनी पड़ेगी ना। कोई VMC ऑपरेटर है कि नहीं यहाँ पर, अगर मान के चलो कोई हार्ड मटेरियल है, कोई P20 मटेरियल है, तो अगर आप उसके ऊपर एंड मिल चला रहे हो, तो आपको फीड कम देनी पड़ेगी, है ना, कम दोगे तभी तो वो आसानी से कट सकता है। अगर मान के चलो एल्यूमिनियम को काट रहे हो, तो एल्यूमिनियम में तो आप 0.5 की फीड पे भी चला सकते हो, उसको चला सकते हो ना, आसानी से कट जाता है। उसके अगेंस्ट अगर एल्यूमिनियम की जगह लकड़ी हो, लकड़ी को कितनी आसानी से काट दोगे ना, बस वही है, आया समझ में। अगर टूल अगर आपको धीरे चलाना पड़ेगा अगर हार्ड मटेरियल के ऊपर, इसका मतलब उसकी मशीनिंग कॉस्ट भी ज्यादा होगी, या फिर आप बोल सकते हो कि उसको VMC पे बनने में उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम लगेगा पर VMC पे, पर आवर के चार्जेस होते हैं, और पर आवर के चार्जेस के हिसाब से मान के चलो एल्यूमिनियम की कोई डाई थी, वो अगर एक घंटे में कट रही है, तो वहां पर अगर P20 की डाई है, तो वो कितने 8 घंटे में कट रही है, तो उसका क्या है, चार्जेस ज्यादा लगेगा ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं, आया। हॉट रनर बेसिकली क्या होता है कि एक apparatus होता है, बोल सकते हो एक मशीन जैसी चीज होती है, जो एक बेसिकली क्या होता है, जो हम लोग देखेंगे ना कोल्ड रनर, जैसे कोल्ड रनर मोल्ड, कोल्ड रनर जिसके अंदर फीड सिस्टम साथ में निकलता है उसके,
जैसे ये कंपोनेंट है आपका, ये कंपोनेंट है आपका, तो ये क्या है इसका स्प्रू, और ये रनर और ये गेट है, ये रनर ये गेट है, तो ये आपका क्या है कंपोनेंट है, तो ये इसको हमको कट करना पड़ता है मैनुअली, तो ये क्या होता है कोल्ड रनर मोल्ड। अब मान के चलो इसकी जगह मैं क्या लगा देता हूं, एक नोजल लगा देता हूं, उस नोजल से डायरेक्ट क्या होता है मटेरियल आता है और कंपोनेंट को भर देता है, कंपोनेंट को भर देता है, और इसके आसपास क्या होती है कूलिंग होती है, और इसको क्या कर देता है कूल कर देता है। तो बेसिकली ये जो नोजल होता है ना ये एक मशीन की तरह है, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक हीटर लगे होते हैं, क्या लगे होते हैं इसके अंदर हीटर लगे होते हैं, इसको बोलते हैं ड्रॉप्स, हीटर लगे होते हैं। तो बेसिकली ये अंदर के मटेरियल को क्या करता है गर्म करके रखता है, मेल्टिंग कंडीशन में ही रखता है, लेकिन बाहर का जब कंपोनेंट को फील कर देता है तो इसको क्या कर देता है ठंडा करके बाहर निकाल देता है। तो इसके अंदर क्या होता है ये हमारा फीड सिस्टम नहीं बन पाता, जो हमारा फीड सिस्टम में वो क्या नहीं कर हो पाता वो बन नहीं पाता, इसका मतलब हमारे पास डायरेक्ट कंपोनेंट आएगा तो बोल सकते हो कि मटेरियल का वेस्टेज नहीं होता। आया समझ, हॉट रनर मोल्ड को हम लोग देखेंगे, डोंट वरी। ओके चलो इतना समझ में आया। पहला पॉइंट कंपोनेंट, दूसरा पॉइंट टोटल ऑफ नंबर ऑफ कैविटीज, कस्टमर हैंड से हमको पता चलना चाहिए कि नंबर ऑफ कैविटीज वो कितना चाहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट कंपोनेंट का मटेरियल एंड द श्रिंकेज वैल्यू, ओके। उसके बाद चौथा पॉइंट मेटल ऑफ मेथड ऑफ डिगेटिंग, ऑटोमेटिक और द मैनुअल क्या चाहते हैं, मेथड क्या चाहते हैं डिगेटिंग के लिए, कंपोनेंट एंड द फीड सिस्टम को अलग करने के लिए, ऑटोमेटिक चाहते हैं और द मैनुअल चाहते हैं। ऑटोमेटिक चाहते हैं इसका मतलब क्या होगा, उसके अंदर मुझे या तो क्या बनाना पड़ेगा थ्री प्लेट मोल्ड बनाना पड़ेगा, या फिर उसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा या तो सबमरीन गेट बनाना पड़ेगा या फिर कुछ और चीज करना पड़ेगा, राइट। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का डाटा कस्टमर हैंड से लेना चाहिए, उनके पास अवेलेबल हो तो, नहीं तो फिर हम उनको बताएंगे कि कितने टन की मशीन पे वो बनेगा, और वैसे भी क्रॉस चेक करने के लिए टनेज कैलकुलेशन हमको करना ही पड़ेगा। हॉट रनर यूज यस और नो, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन रेट फॉर द कंपोनेंट, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए जिसके हिसाब से हमको उसको सजेस्ट कर सकें कि बिल ऑफ मटेरियल में आप कौन सा मटेरियल का यूज करने वाले हैं। बिल ऑफ मटेरियल में आप कोर और कैविटी का मटेरियल बताओगे ना, क्लियर है। तो बेसिकली दिस ऑल द इंफॉर्मेशन इज वेरी नेसेसरी फॉर डिजाइन ए कंप्लीट मोल्ड टूल, क्लियर है, समझ में आया इतना, ठीक है। चलो यहां पर देखते हैं, ठीक है, सातों पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है। कोर एंड कैविटी, देखो बेसिकली क्या होता है, अभी हम लोग कोर और कैविटी देख रहे हैं, इससे पहले जब हम लोग छोटे थे ना, अभी कोर और कैविटी सबको पता होगा राइट, कि कोर और कैविटी क्या होता है, लेकिन बेसिकली जब हम छोटे थे ना तो हम लोगों ने क्या है पैटर्न कास्टिंग देखा होगा या कोई चीज देखी होगी, तो उसको बोलते हैं सांचा, क्या बोलते हैं सांचा, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि उस सांचे के अंदर क्या होता है कि मेटल होता है या फिर आप जो भी भरना चाहते हो उसके अंदर भर के उसको उसकी कोर और कैविटी में डाल दोगे तो अंदर क्या है उसको ठंडा होने के बाद वो हमारे पास कंपोनेंट मिल जाता है। तो बेसिकली ये भी एक सांचा ही है जिसको हम लोग यहाँ पर मोल्ड बोल रहे हैं, जिसको हम लोग मोल्ड बोल रहे हैं। तो कैविटी बेसिकली क्या है, एक फीमेल पोर्शन ऑफ द कंपोनेंट। कोर क्या है, कोर क्या है मेल पोर्शन ऑफ द कंपोनेंट। जब दोनों आपस में मेट करेंगे तो यहां पर क्या बनेगी, एक पार्टिंग लाइन, पार्टिंग लाइन और द पार्टिंग सरफेस, राइट, ठीक है। यहां पर जब ये मेट करेंगे तो क्या बनेगा, पूरा इंप्रेशन, मतलब खाली जगह। इस खाली जगह के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल को फीड करेंगे, मटेरियल को इसके अंदर डालेंगे, फील करेंगे, मटेरियल जब इसके अंदर डाल देंगे, इसको जब कूलिंग करेंगे, आसपास से कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, ठंडा होने के बाद हमारे पास हमारा कंपोनेंट मिल जाएगा, राइट। यहां पर एक और चीज है, यहां पर हमको अलाइनमेंट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हमको, अलाइनमेंट। कोर और कैविटी का अगर प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं होगा तो एक तरफ की वॉल थिकनेस कम बनेगी और एक तरफ की वॉल थिकनेस ज्यादा बन जाएगी, आया समझ में, ठीक है। अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अलाइनमेंट नहीं होगा, अलाइनमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, कोर और कैविटी सही सही से उसका सेंटर अलाइनमेंट नहीं होगा, अगर उन दोनों का सेंटर अलाइनमेंट ठीक से नहीं होगा तो आपका कंपोनेंट डिफेक्टेड पीस निकलेगा, आपका कंपोनेंट सही नहीं निकलेगा, आपके कंपोनेंट में कई सारे एरर रहेंगे, कहीं पर वॉल थिकनेस ज्यादा रहेगी, कहीं पर पतला रहेगा, कहीं पर वो मोटा रहेगा। बच्चों के टॉयज वगैरह देखे कभी आपने, बच्चों के टॉयज वगैरह जब आप देखोगे ना तो वो लोकल प्रोडक्शन होता है, तो उस टॉयज प्लास्टिक कंपोनेंट में कभी आप देखना ध्यान से, तो उसके अंदर एक तरफ तो कभी ज्यादा पतला प्लास्टिक होता है, एक तरफ उसमें ज्यादा मतलब
मोटा प्लास्टिक होता है। इसका मतलब क्या होता है उसके अंदर अलाइनमेंट ठीक नहीं होता, राइट। ठीक है, आया समझ में इतना? ठीक है, तो ये बेसिक कोर और केविटी है जो मैंने आपको यहां पर बताया है। ठीक है, यहां पर बताइए, एरर वगैरह सॉफ्टवेयर पे चेक, ऑफकोर्स किसी सॉफ्टवेयर पे एरर कैसे चेक करोगे, मतलब एरर कैसे चेक करना चाहते हो? सेंटर अलाइनमेंट वाली एरर कैसे है कि जब आप उसको वायर फ्रेम में देखोगे तो ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें जूम करके देखोगे तभी समझ में आ जाएगा कि वो है कि नहीं। उसमें ऐसा कुछ एनालिसिस वगैरह नहीं है, जब आप उसको जूम करोगे ना तो आपको उसके बीच में डिस्टेंस नजर आ जाएगी, है ना। हाँ, देखो ऑफकोर्स दो चीजें होती हैं, बिल्कुल गुड, दो चीजें होती है। यहां पर आप डिजाइन करोगे, डिजाइन करने के बाद आप एकदम 0-0 पे डिजाइन करके दोगे, ठीक है। उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी आपके मोल्ड की, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एक एक प्लेट बनेगी उसकी, एक एक चीजें बनेगी, उसके बाद उसके अंदर कोई ना कोई एरर आ सकता है, उसके टॉलरेंस को हमको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, असेंबली होगी, असेंबली के दौरान ब्लू मैचिंग वगैरह की जाती है या फिर कोई दूसरी चीजें की जाती है, राइट। तो उसके दौरान भी, असेंबली के दौरान भी उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर आने के चांसेस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो बेसिकली कंप्लीट चीज डिजाइन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। डिजाइन आपका अगर 0-0 में होगा तो उसके बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग होगी, चीजें होंगी, सभी चीजें होंगी, तो उसके बाद क्वालिटी चेक होता है ना, इसको SQC और FQC बोलते हैं, स्टेज क्वालिटी कंट्रोल एंड द FQC, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल। कोई एमएनसी कंपनी में होगा तो उन्होंने सुना होगा, है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है, दो स्टेज होती है, जहां से मोल्ड के सभी डायमेंशन, प्लेट के सभी डायमेंशन वगैरह सभी पास होके जाते हैं, राइट, जो कि टॉलरेंस के अंदर होता है, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि सिर्फ डिजाइन ही एक ऐसी फील्ड नहीं जहां पर इसका एरर हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हुआ, प्रोडक्शन हुआ, मेंटेनेंस में हुआ, या फिर आप बोल सकते हो कि फिटिंग में हुआ, तो सभी जगह इसके एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। फाइनल जो कंपोनेंट आएगा तो उसके अंदर इस चीज का भी एरर होगा, राइट और रॉन्ग। मोल्ड फ्लो एनालिसिस में हम लोग ये चेक करते हैं कि मटेरियल उसके अंदर सही तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं। मोल्ड, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास चार कंपोनेंट है, ओके, ये आपके पास चार कंपोनेंट। अगर मैं इसको मटेरियल को यहां से फील कर रहा हूँ, मटेरियल को यहां से फील कर रहा हूँ और इसके अंदर ये इस तरह से यहां से जा रहा है, राइट। अब जब मैं इसके अंदर इसको डाल रहा हूँ तो यहां से मटेरियल यहां से जाएगा, सब दूर एक जगह एक साथ जाएगा, ओके, एक साथ जाएगा। तो ये कितनी देर में ये मटेरियल इसके अंदर भर रहा है, कितनी देर में इसके अंदर ये मटेरियल भर रहा है और इसके अंदर सही तरीके से पूरी तरीके से पहुंच रहा है कि नहीं। मान लो इसका गेट कम हो गया या फिर इसका गेट आपने ज्यादा करा है या फिर कुछ करा है, तो बेसिकली ये मोल्ड फ्लो एनालिसिस, मतलब इसके अंदर फीड, जो फीड सिस्टम होता है ना, इसके अंदर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, इसका साइकिल टाइम कितना हो रहा है, रनर डिजाइनिंग, गेट डिजाइनिंग, वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से उसको फील कर रहा है कि नहीं, या फिर उसकी फीलिंग जो टाइम है वो कितना है। पता चल रहा है, पता चला कि आपने कोई एक कंपोनेंट डिजाइन करा, उसका गेट डिजाइन करा, विद कैलकुलेशन नहीं करा, और आपने सोचा बोले कि 20 सेकंड के अंदर वो कंपोनेंट के अंदर वो भर जाना चाहिए पूरी तरीके से। पता चल रहा है कि आपके कंपोनेंट उसके अंदर भरने में ही उसको 30-40 सेकंड लग रहा है, कूलिंग में भी टाइम लग रहा है, तो एक मिनट एक कंपोनेंट में निकलेगा, एक मिनट में एक कंपोनेंट उसके अंदर से निकलने वाला है, राइट। प्रोडक्शन रेट बढ़ानी है ना भाई हमको, टाइमिंग है ना, आया समझ में इतना। यहां पर मोल्ड बेस के कुछ पार्ट्स हैं, हाँ, वो बेसिकली देखो वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। आप ये कुछ इसकी कोई ऐसी कोई बुक नहीं है जिसके अंदर मैं आपको ये बोलूं कि देखो क्या होता है कि अब आप बोलो कि कोई मटेरियल शाइन कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसके मटेरियल के कारण वो शाइन कर रहा है। उसकी जो डाई होती है ना, उस डाई के ऊपर पॉलिशिंग होती है, उस पॉलिश के कारण वो मटेरियल ऊपर से शाइन कर रहा होता है, राइट। तो आप एकदम ये नहीं बता सकते बिल्कुल, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। जब आपके हाथ में बहुत सारे प्लास्टिक कंपोनेंट आएंगे, जब आपको ये पता चलेगा कि ये पीपी मटेरियल है, किसी कोई कंपोनेंट देखोगे तो आप बोलोगे पीपी मटेरियल है ये। जब पीपी मटेरियल आपके कंपोनेंट आपके पास बार बार आएंगे तो आप बोल सकते हो ना, देख के ही बोले भैया ये पीपी मटेरियल है, मैं देखता आ रहा हूँ पीपी मटेरियल को बहुत टाइम से, राइट। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपके पास पीसी मटेरियल आ रहा है देखने के लिए, तो आप डिफरेंस उसके अंदर बता सकते हो धीरे धीरे कि असल में ये मटेरियल कौन सा है। एबीएस जब आपके पास आएगा तो एबीएस को देख के बता सकते हो ये एबीएस मटेरियल है, लेकिन ये सब चीजें एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करती है,
नहीं आया समझ में? आया? देखो बेसिकली क्या होता है, मेरा ये वाला, ये घर आपका है, ये घर मेरा है, ओके। मैंने आपको रास्ता बताया है कि मेरे घर से आपके रास्ते तक इस तरह से रास्ता है। आप जब आओगे ना मेरे घर पे तो आपको इस तरह से आना है, ओके। लेकिन आपको एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, तीन दिन हो गया, चार दिन हो गया, आप इसी रास्ते से आए। आपने सोचा बोले कि जब यहां से शायद तक मैं सीधे सीधे जा सकता हूं तो मैं यहां से क्यों ना जाऊं। लेकिन पहली बार में ऐसा होगा क्या? पहली बार में जब मैंने आपको ये रास्ता बताया तो आप डायरेक्ट ये रास्ते को पकड़ के मेरे घर पहुंच जाओगे। तो इसको बोलते हैं स्टार्टिंग वे, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग, मतलब आपने शुरुआत करी है किसी काम के लिए। और इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस, क्योंकि आपको पता चल गया ना कि यहां से लेकर यहां तक जाना है, इसका मतलब डायरेक्ट यहां पर जाना है। समझ में आया कि नहीं? हर एक मटेरियल का अलिया अलग अलग नहीं होता। रनर का जो डायमीटर होता है वो डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल होता है, लेकिन उस डिपेंड करता है कि उसके अंदर विस्कोसिटी वाली कौन सी चीज उसके अंदर ज्यादा मिलाई जा रही है। डिपेंडिंग अपॉन दैट कैलकुलेशन वो हमको इंक्रीज करना पड़ता है। वो जब हम कैलकुलेशन करेंगे तब हम उस चीज को समझेंगे। चलो इतना समझ में आया, ठीक है। मोल्ड बेस के कुछ पार्ट समझते हैं कि मोल्ड बेस के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, ओके। देखो टॉप प्लेट, टॉप प्लेट, ओके। ए प्लेट एंड द बी प्लेट इज द कैविटी प्लेट एंड द कोर प्लेट। ए प्लेट यहां पर क्या है? कैविटी प्लेट। बी प्लेट क्या है यहां पर? कोर प्लेट, ओके। यहां पर ये क्या है? गाइड पिन। गाइड पिन मतलब जिसको गाइड पिलर भी बोला जाता है, गाइड पिलर भी बोला जाता है। और बी प्लेट क्या है यहां पर? सॉरी, ए प्लेट क्या है यहां पर? ए प्लेट के अंदर यहां पर जो फिक्स है यहां पर, ये क्या है? बुश। क्या है? बुश, जिसको गाइड बुश भी बोला जाता है। देखो गाइड बुश, ओके, गाइड पिन एंड द गाइड बुश। ये किसके लिए यूज किए हम लोगों ने गाइड पिन और गाइड बुश को? टेल मी। अलाइनमेंट के लिए, बिल्कुल, है ना, अलाइनमेंट के लिए हम लोगों ने इसको यूज किया है, ठीक है। यहां पर अगर मैं इसकी पार्टिंग लाइन की बात करूं तो ये इसका क्या है? इसका पार्टिंग लाइन है, ये देखो। तो ये ए वाला पोर्शन क्या है इसका? फिक्स्ड हाफ। क्या है इसका? फिक्स्ड हाफ, ठीक है। ये स्टीपर प्लेट को अभी इग्नोर कर देना, ठीक है। यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है इसका? मूविंग हाफ। ये क्या है इसका? मूविंग हाफ। ये क्या है इसका? फिक्स्ड हाफ। फिक्स्ड हाफ में क्या आएगा अधिकतर? कैविटी पोर्शन। कैविटी पोर्शन आता है फिक्स्ड हाफ में। और मूविंग हाफ में क्या आएगा? हमारा कोर पोर्शन आएगा, कोर पोर्शन आएगा, ठीक है। तो ये क्या है यहां पर? ये है कोर प्लेट। ये क्या है? कोर बैक प्लेट, कोर बैक प्लेट। ये है स्पेसर। स्पेसर के सेंटर में आपको दिख रहा है यहां पर, यह इजेक्टर ग्रिड। इजेक्टर ग्रिड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इजेक्टर रिटेनर प्लेट एंड द इजेक्टर बैक प्लेट। इजेक्टर रिटेनर प्लेट एंड द इजेक्टर बैक प्लेट, ओके। तो बेसिकली ये जो इजेक्टर ग्रिड है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है किसी भी कंपोनेंट को इजेक्ट करने के लिए। जो भी मोल्ड के अंदर, जो भी डाई के अंदर कंपोनेंट बन रहा है ना, उसको इजेक्ट करने के लिए, मोल्ड से बाहर निकालने के लिए ये दोनों प्लेट रिस्पॉन्सिबल है, ओके। ये जो व्हाइट स्पेस दिख रही है ना इसके बीच में, ये खाली जगह है, ओके। उसके बाद है बॉटम प्लेट। आया समझ में? ये है फिक्स्ड हाफ, ये है मूविंग हाफ, ओके। टॉप प्लेट, ए प्लेट इज द केविटी प्लेट, ओके, ठीक है। यहां पर फिक्स्ड हाफ जिसको, या सॉरी, यहां पर मूविंग हाफ एंड द फिक्स्ड हाफ, ये क्या है? बोल्टिंग से जॉइंट है। ये देखो, दिख रहा है, बोल्टिंग से जॉइंट है। ये तो आया समझ में, ठीक है। चलो आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। ये क्या है? रिटर्न पिन यहाँ पर, ठीक है। चलो एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को देख लेते हैं, थोड़ा सा आपको और समझ में आएगी चीजें। उस्मान, इतना इसमें प्रेशर लगना है उसको, हम लोग बेसिकली क्या, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है ना वो चीज है। मोल्ड को जब हम लोग बनाते हैं ना तो वो डिपेंडिंग अपॉन द शट हाइट ऑफ द मोल्ड बनाते हैं, वो मशीन के ऊपर डिपेंड करती है चीज, राइट। चलो पहले इसको समझें। उस्मान आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको बताया एनिमेशन में, आपको वही चीज दिख रही है। बेसिकली क्या है, ग्रीन वाला जो पोर्शन है ना, ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये क्या है? कोर साइड है, मूविंग हाफ जिसको बोलते हैं, राइट। ये क्या है? फिक्स्ड हाफ है।
जो पर्पल टाइप का दिख रहा है ना, ये क्या है, फिक्स्ड हाफ है, जहां पर हमारा क्या हो रहा है, कैविटी साइड है, ये देखो। और ये जो दिख रहे हैं ना व्हाइट पोर्शन, ये क्या है, इजेक्टर ग्रिड है। इजेक्टर ग्रिड इज रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, फॉर द प्रॉपर इजेक्शन ऑफ द कंपोनेंट फ्रॉम द मोल्ड। आया समझ में? यहां पर ये जो है ना, ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। आया समझ में? इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन देखो ये, फिर से एक बार देखिएगा, तो इतना समझ में आया, ठीक है। जो ये जो मोल्ड है ना, ये इतना पोर्शन इसके अंदर लगा हुआ है, ये बेसिकली पूरी की पूरी क्या है, मशीन है। इतना क्लियर हुआ, टेल मी, ठीक है। अब जब हम लोग कोर्स कर रहे हैं तो हम लोग लाइव लेक्चर तो लेंगे ही, ठीक है, लाइव लेक्चर हम लोग लेंगे ही। साथ में मैं आपको एक फोल्डर कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि हमारे जो कोर्स है पूरा हुआ हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो साथ में एक फोल्डर कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा, जो कि रहेगा, ये फोल्डर कोर्स है जिसके अंदर सिंगल कैविटी, मल्टी कैविटी, स्प्लिट मोल्ड, स्लाइडर मोल्ड, लिफ्टर मोल्ड, एचपीडीसी मोल्ड, ब्लो मोल्ड, अनस्क्रूइंग मोल्ड, हॉट रनर मोल्ड और इलेक्ट्रोड डिजाइन, ये सभी चीजें हम लोग लाइव क्लासेस में भी करके देखेंगे। लेकिन इसके अंदर जो मटेरियल है ना, वो स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल इन द सेंस क्या है, जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर वीडियो दिख रहा है, ये थ्योरी के लिए एक वीडियो है, ये जो वीडियो दिख रहा है ये सिंगल कैविटी के लिए एक वीडियो है, या फिर सिंगल मोल्ड के लिए एक वीडियो है, ठीक है। इसके अंदर ये स्टडी मटेरियल के लिए पूरा स्टडी मटेरियल है, आप बोल सकते हो, वो ड्राफ्टिंग है देखने के लिए, समझने के लिए, राइट। उसके बाद मल्टी कैविटी में जाएगा, तो मल्टी कैविटी में देखो यहाँ पर कुछ ड्राफ्टिंग है, कुछ यहाँ पर बोल सकते हो क्या है, वीडियोज है, ये देखो, ठीक है, कुछ डाउट वगैरह है कोई चीज, तो इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। ये आपको जल्दी समझने में कोशिश करेंगे, मतलब आप समझोगे ना किसी चीज को जल्दी में, तो जल्दी समझने के लिए कोशिश वो आपको हेल्प करेंगे, राइट। इधर देखो, ठीक है, उसके बाद स्लाइडर, ठीक है, इसके अंदर स्टडी मटेरियल भी है, थ्योरी के लिए वीडियो भी है और सभी चीजें हैं विद एनिमेशन थोड़ा सा, ओके, आए समझ में? तो इसको देखना, स्किप मत करना, ओके, ठीक है। बाकी तो हम लोग लाइव क्लास में सभी चीजें करेंगे ही, लाइव सभी चीजें हम लोग देखेंगे ही, और साथ में जो भी हमारा पूरा कंप्लीट कोर्स है, जिसकी जो स्लाइड वगैरह होती है, जो मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ, ये पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड भी करूंगा, डोंट वरी, ओके। चलिए, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछ सकते हो, टेल मी। लास्ट का जो 5 मिनट्स रहेगा ना, या फिर 5 और 10 मिनट्स जो रहेगा, वो आपका क्वेश्चन क्वेरी के लिए रहेगा, तो कोई भी क्वेश्चन क्वेरी रहती है तो आप पूछ सकते हो। तो वो मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो प्लास्टिक मटेरियल के बारे में समझ में आया, प्लास्टिक मटेरियल बेसिकली कैटेगराइज इनटू द 2, थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेट। ओके, यू नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोप्लास्टिक एंड द थर्मोसेट, कैन बी मेल्टेड रिपीटेडली। ओके, वंस शेप कैन नॉट बी मेल्टेड। ओके, रिसाइकल मटेरियल, नॉन रिसाइकलेबल मटेरियल। ओके, यहाँ पर देखो श्रिंकेज वैल्यू के बारे में भी समझ गए, ठीक है। बाय द स्केल बॉडी हम लोग श्रिंकेज वैल्यू कैसे देते हैं, ये समझ में आया, ठीक है। एक बार करके देखते हैं। अच्छा, अगर किसी श्रिंकेज वैल्यू अगर 3% है किसी मटेरियल की, तो स्केल बॉडी में मैं कितनी वैल्यू दूंगा, टेल मी। बताओ जल्दी से करके, कितना दूंगा, 1.003 पक्का, ठीक है। चलो, तो फिर एक काम करते हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। कितना है, 3% है ना, 3% डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 0.03, राइट, ठीक है, प्लस 1। आपने क्या आंसर दिया था, ठीक है, 1.03 इसका आंसर आएगा। तो ये आप स्केल बॉडी में रखोगे, राइट।
चलो ठीक है, यहाँ पर मैंने थर्मोप्लास्टिक सिंक के चार्ट, किसी ने नोट्स वगैरह बनाए कि नहीं, थोड़ा थोड़ा बनाए ना, हाँ चलो। जी जी बेसिकली श्रिंकेज चेंज होता है, तो यहाँ पर जो श्रिंकेज वैल्यू मैंने यहाँ पर बताया ना ये रेंज में, ये उसी चीज से वेरी करता है जनरली आप बोल सकते हो। जी ऑफ कोर्स जी एफ मटेरियल, ओके फॉर एग्जांपल 10%। वेरी आएगा लेकिन माइन्यूट सा वेरी आएगा, इतना ज्यादा वेरी नहीं आएगा। अगर मैं आपको बोलूं मैं बोलूं कि 0.4 से लेकर 0.6% अगर मैंने आपको बोला है, तो 10% जीएफ मटेरियल के बाद डायरेक्ट वो 0.8% हो गया, तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये चीजें इतनी फर्क नहीं पड़ती, लेकिन हाँ ये जीएफ मटेरियल से एक चीज जरूर वेरी करेगी, वो है विस्कोसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। मान के चलो अगर जीएफ पर, हाँ यस, तो रनर डिजाइन में अगर मान के चलो आपका 5 का डायमीटर आया, ठीक है, तो 10% जीएफ मटेरियल के हिसाब से आपको इसको 30% से इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। चलो वो रनर डिजाइन के टाइम पे हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे। हाँ टेल मी। जी जी ऑफकोर्स ऑफकोर्स, श्रिंकेज वैल्यू इवन जब हम लोग पुट अप करेंगे इन कंपोनेंट, देखो बेसिकली क्या होगा, जो भी चीजें मोल्डिंग के अंदर होती है ना, वो मैं सभी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके कितने डाउट क्रिएट होते हैं। मैं तो खुद चाहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल जब आप प्रैक्टिस करो तो वहां पर डाउट क्रिएट होना चाहिए, चलो बेसिकली क्या होता है, देखो डिपेंड करता है कि जैसे क्या होता है, पहले से डाई कुछ बनी होती है, जैसे मैं आपसे मान के चलूं कि जैसे कोई डाई बनी है कहीं पहले से, ठीक है ओके। अब रियल आपके पास कंपोनेंट उसका अवेलेबल है और यहां पर उसकी डाई है ना, तो यहां पर उसकी डाई है, तो उसका ये जो इसका जो डायमेंशन है और इसका जो इसका जो डायमेंशन है, ये इसका डाई का डायमेंशन बड़ा होगा है ना, इसका डायमेंशन कितना होगा, मान के चलो इसका डायमेंशन 100 है, ओके एक्चुअल डायमेंशन, इसका डायमेंशन कितना है 101 है, तो बेसिकली ये इससे कितना बड़ा है, एक बड़ा है, तो 100 का एक कितना परसेंटेज हुआ, बस। तो अगर मान के चलो वो 1 mm के लिए अगर मैं वो चीज निकालता हूं, तो आपको पता चल गया ना कि यहाँ पर 1 mm इसका 100 का 1 कितना परसेंटेज हुआ, उतना परसेंटेज, तो उसका श्रिंकेज वैल्यू कितना हुआ, 1% हुआ, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि देखो बेसिकली वी आर मैकेनिकल इंजीनियर, तो यहाँ पर है ना एक जुगाड़ वाली चीज है, ठीक है। अगर हम लोग मैकेनिकल इंजीनियर होकर अगर जुगाड़ नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, राइट है ना, तो कर लो यार जुगाड़ थोड़ी सी, ठीक है। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पर है, ठीक है, और मैं हम लोग कल कंटिन्यू करते हैं, ओके ऑफ कोर्स ओके चलिए ओके गुड नाइट नहीं कल ऑफ नहीं रहेगा, कल ऑन रहेगा, हाँ वो लिखा है उसके ऊपर, वो लिखा है लेकिन संडे को ही हम लोग ऑफ रखेंगे, ओके चलिए ओके ओके गुड नाइट दादू को फोन करो और बोलो कि रहने दो, ऑटो कैंसिल करके आ जाओ।